आपका फूडी अमित कनपुरिया भाई आपको एक बात बताना चाहता है कि हमारे चैनल पे कुछ ट्रैवल ब्लॉग भी आएंगे, कुछ फूड ब्लॉग भी आएंगे। अभी कुछ बीते दिनों में आपने देखा वो ट्रैवल ब्लॉग आए थे, हम जयपुर गए थे, हम खाटू श्याम जी गए थे, तो वहाँ के ट्रैवल ब्लॉग बनाए और अब हम फूड सीरीज़ में वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हैं इस समय सनगवा में हैं, तिरंगा चौराहा है, तिरंगा चौराहा में मंगला विहार पड़ता है और खाटू श्याम जी से आए हैं। तो खाटू श्याम जी के नाम पे ही ये कार्ट हमको नज़र आया, श्री खाटू श्याम फास्ट फूड। ठीक है भाई, तो काफ़ी अच्छा हमको फास्ट फूड का कार्ट लगा, तो हमने सोचा यहाँ पे रुका जाए, वीडियो शूट किया जाए, आपको दिखाया जाए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देख लो, यहाँ पे आपको फिंगर्स मिल जाएंगे हाफ़ और फुल, 315 के मोमोज मिल जाएंगे हाफ़ और फुल, कबाब पराठा मिल जाएगा, वेज रोल मिल जाएगा, मतलब काफ़ी नॉमिनल प्राइसिंग है। वेज रोल 10 रुपये का, कबाब पराठा 20 रुपये की प्लेट, मोमोज 30 रुपये का, फुल हाफ 15 का, फिंगर 30 की और हाफ फुल। इनका देखो नाम है श्री खाटू श्याम जी फास्ट फूड, राजकुमार भैया ये लगाते हैं, ये राजकुमार भैया है, इनका नंबर लिखा हुआ है और ये इनका पता लिखा हुआ है। आइए अब इनसे बात करते हैं। 700 जी, मंगला विहार में। तो ये कार्ट है आपका जी, इसी कार्ट पे सारी चीज़ें मिलती हैं जी। ये फिंगर्स रखे हुए हैं जी भाई, फिंगर्स देख लो, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के फिंगर्स रखे हुए हैं, फिंगर चिप्स रखे हैं। उधर आगे आपको पराठा, वो कबाब लगे हुए दिख जाएंगे, हमको लग रहा है मोमो का भी डब्बा उधर ही रखा है। अभी है नहीं, मोमो खत्म हो गए। तो अभी हम क्या ट्राई करें आपकी शॉप पे, जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, हमें तो बताइए क्या ट्राई करें। कबाब पराठा रोल बना देते हैं आपके लिए, रोल बनाइएगा। ठीक है, टिक्की ले ली जी, टिक्की ले ली, ग्रेवी है, तीखी चटनी है। ठीक है जी, अब इसके बाद प्याज लगाएंगे, प्याज भी आएगा जी। तो ये तो काफ़ी समय पहले, मतलब सन 2004-5-8-10 में 10 रुपये का रोल होता था, अब जी अब भी 10 का दे रहे हैं। काफ़ी जगहों पे तो 15-20-25 तक का हो गया है आजकल, घरों से 10 ही रुपये मिलता है, इसीलिए 10 का ही जी। बच्चे आए हैं 10 रुपये लेके, उनको वापस नहीं करना चाहते हैं, 10 रुपये का दे दिया, इसी वजह से 10 रुपये तो भी 10 रुपये, 10 के 4 मोमोज फ्राई करके भी दे देते हैं, स्टीम भी दे देते हैं। बहुत बढ़िया। और बिरयानी भी होती है अपने पास? बिरयानी अभी नहीं बना रहे हैं, बिरयानी बनाएंगे तो जी, अभी हम वीडियो दिखाएंगे। ओके ठीक, चलिए ठीक है। ये हमारा जो रोल है वो कंप्लीट हो करके, ये देखिए ये आ गया है, कंप्लीट हो गया जी। क्या बात है, हमारा कंप्लीट होकर के आ चुका है। काफ़ी कैसा बना है ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन एकदम ये लोडेड सा लग रहा है, क्योंकि इसमें एक ये वाली टिक्की गई है, देखो कबाब वाली, ये पास देखो, ये कबाब की टिक्की है प्लस चटनी है। ठीक है, और ये पराठा है। अरे भाई, आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग देना चाहूँगा, अगर आप स्पाइसी नहीं खाते हैं तो आपको इनको मना करना पड़ेगा कि भाई स्पाइसी कम बनाना। काफ़ी बढ़िया स्पाइसी है जो चटनी इन्होंने लगाई है, वो अच्छी सी स्पाइसी है, बढ़िया फ्लेवरफुल है। हम तो स्पाइसी खा लेते हैं, हमको चलता है, मज़ा आ गया खा के। तो डॉक्टर यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर का रहने वाले हो या भैया कभी भी उसमें कानपुर आने वाले हो, तो क्या करिए, जब भी कानपुर में कहाँ पर आइए, सनगवा की तरफ आइए ना, मंगला विहार पर, क्या पड़ता है तिरंगा चौराहा के पास, ये बढ़िया सा फास्ट फूड पॉइंट है श्री खाटू श्याम जी का। यहाँ पे दोस्तों ज़रूर आइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे आके एंजॉय करिए, या फिर चाहिए तो पैक करिए, घर पे ले जाइए। और भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए, कमेंट करिए, और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।